यूपीएमएलसी चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बीजेपी के बाद अब सपा ने भी अपने दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें बरेली मुरादाबाद क्षेत्र और कानपुर उन्नाव क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र के लिए सपा ने शिव प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जयपाल सिंह बिष्ट को चुनौती देंगे। सपा प्रत्याशी मंगलवार को नामांकन करेंगे। इसके अलावा कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से भी सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यहां सपा ने डॉक्टर कमलेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया को चुनौती देंगे। सपा प्रत्याशी 11 जनवरी को नामांकन करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त, कानपुर उन्नाव से अरुण पाठक, गोरखपुर फैजाबाद से देवेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया और झांसी प्रयागराज क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि इन पांच सीटों के लिए 5 जनवरी से नामांकन शुरू हो चुका है। इन सीटों पर 12 जनवरी तक नामांकन होगा, वहीं 30 जनवरी को इन सीटों पर वोटिंग होगी और 2 फरवरी को मतगणना होगी। बता दें कि 12 फरवरी को 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि सपा अभी और 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है।